हे गाइस वेलकम बैक गाइस, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट बेस्ट बुक्स फॉर जेई एग्जामिनेशन, एई एग्जामिनेशन, वेयर्स अदर एग्जामिनेशंस लाइक एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, डीएमआरसी, एलएमआरसी एंड अदर स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस एज वेल. अपार्ट फ्रॉम डेट वी विल बी टेलिंग यू अबाउट बेस्ट बुक फॉर यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एंड गेट एग्जामिनेशन एज वेल. सो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे तीन बुक्स है. ये बुक जो है ये गेट के लिए है, ठीक है, गेट के लिए बेस्ट बुक है. तो इसको सबसे पहले साइड पे रखते हैं. पहले हम बात करते हैं ये दो बुक हैं. ये जो बुक है आईएएस मास्टर पब्लिकेशंस के हैं दोनों बुक. ये एसएससी जेई के, एसएससी जेई की बुक है. इसमें एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड हैं फ्रॉम ईयर 2005 टू 2019. अपार्ट फ्रॉम डेट ये जो बुक है ये इंजीनियरिंग सर्विस की बुक है, ठीक है. इसमें इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशन के साथ दिए हैं. तो इंजीनियरिंग सर्विस की बात की जाए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट आपके पास है ये बेस्ट कंटेंट होना चाहिए. ईएस मास्टर की अगर बात की जाए, आईएएस मास्टर की अगर बात की जाए, आईएएस मास्टर जो है बेस्ट इंस्टीट्यूट है टू प्रोवाइड गुड कंटेंट फॉर सिविल इंजीनियर्स और गुड वीडियो लेक्चर अलॉट मोर, ठीक है. तो सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो आईएएस मास्टर का कंटेंट बहुत ही बढ़िया है. बाकी ब्रांचेस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका मुझे पता नहीं, बट आईएएस मास्टर फॉर सिविल इंजीनियरिंग इज बेस्ट, ठीक है. इसीलिए मैंने आईएएस मास्टर की बुक्स लाई है. तो सबसे पहले एसएससी जेई बुक्स, एसएससी जेई 2021 बुक की बात करते हैं, उसके बाद ईएस 2021 की बात करते हैं, ठीक है. तो एसएससी जेई 2020 इस बुक में मैंने जैसे पहले ही बताया एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं. उसके बगैर इस बुक में आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया है, ठीक है, जिससे आपको एडिशनल नॉलेज मिल सकती है. और ये जो बुक है ये बेस्ट बुक फॉर है आरआरबी जेई, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, जितने भी आपके स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होते हैं, आपके अपने स्टेट में जो भी एग्जामिनेशन होते हैं फॉर जेई ओनली, ये बुक जो है जेई की बात कर रहा हूँ, जेई के लिए बेस्ट है. स्टेट लेवल जेई एग्जामिनेशन, अच्छा, जो एसएससी जेई हमारा होता है, आरआरबी जेई होता है, ठीक है, डीएमआरसी, एलएमआरसी, उन जैसे एग्जामिनेशन के लिए बुक बेस्ट है, ठीक है. इसमें अगर आप खोल के देखें तो इसमें जब आप इस बुक को परचेज करेंगे आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे ऑनलाइन क्वेश्चंस मिल जाएंगे. अराउंड मोर देन 3000 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. अगर इस बुक की बात की जाए, ये बुक जो है रिसेंटली प्रिंट किया है इस बुक को, 2021 एडिशन की बुक है. इस बुक के अंदर हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे एसएससी जेई का पैटर्न दिया है, ठीक है, एसएससी जेई कैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है. आप, आई होप आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ. ये एग्जामिनेशन पैटर्न है एसएससी जेई का. तो इस बुक के अंदर आपको यहाँ पे अगर हम देखें तो एसएससी जेई के लिए हमारे सिविल इंजीनियरिंग में अराउंड 12 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमको पढ़ना होता है. तो उन सारे सब्जेक्ट्स के एनालिसिस प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, ठीक है. उसके बाद हम यहाँ पे अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपको कंटेंट के फॉर्म में सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिसके अंदर अगर पहली सब्जेक्ट की बात करें तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, आरसीसी है, फिर स्टील डिज़ाइन है. इसी तरह सारे चैप्टर्स जितने भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है फॉर अदर एग्जामिनेशंस अपार्ट फ्रॉम एसएससी जेई, ये सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं. तो देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चंस दिए फ्रॉम 2014 टिल 2019. अगर किसी भी क्वेश्चंस को आपको, सपोज इस क्वेश्चन को हम उठा के देख लें, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन वो ए है, तो इसके बाद भी इसने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है. ये आप इससे नोट्स बना सकते हैं ना इजीली, ठीक है, क्या दिक्कत है. तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल रही है, ठीक है. इसी तरह इन सेम में हर क्वेश्चन में आपको डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है. जैसे इस क्वेश्चन को देख लेंगे हम अगर, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी समझा रखा है और सॉल्यूशन भी दिया है. तो ये आपके एई नहीं एसएससी जेई और स्टेट लेवल जेई एग्जामिनेशन जो भी होते हैं. और इसके बगैर मैं बात करूँ आपके जैसे एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया एसएससी जेई, डीएमआरसी, एलएमआरसी, आरआरबी जेई के लिए बेस्ट बुक है, ठीक है. तो ये हुई बात इस बुक की. अगर इस बुक की कीमत की बात करें तो कीमत है अराउंड 900, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप इसको ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो 720 में आपको मिल जाएगा अगर आप आईएएस मास्टर पब्लिकेशन.com से ऑर्डर करेंगे.
अच्छा, फ्लिपकार्ट से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, अमेज़न से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और आपको एडिशनल चार्ज देना होगा शिपिंग चार्जेस, इट डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन, ठीक है। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी ये बुक अवेलेबल है, ठीक है। तो ये रहा IAS मास्टर SSC JEE एग्जामिनेशन के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, तो ये बुक बेस्ट है। और जो भी स्टूडेंट्स जिनका कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है, जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं या BTEC भी कर रहे हैं, अगर आपको अपना कंसेप्चुअल नॉलेज को गेन करना है, अगर आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, तो इस बुक के अंदर जितना भी कंटेंट है वो बेस्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट बूस्ट हो सकता है। अब बात करते हैं बेस्ट बुक फॉर AE एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड ES जैसे एग्जामिनेशन, UPSC एग्जामिनेशन लाइक ES, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस और भी एग्जामिनेशन, ISRO, BARC, DRDO के लिए बुक जो है बेस्ट है। और खासकर ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट है, इंजीनियरिंग सर्विस से टफ कोई एग्जामिनेशन नहीं होती है, ठीक है। तो मेरे पास ये जो पार्ट टू है इसके अंदर आधा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। नंबर ऑफ चैप्टर्स होते हैं या नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे इंजीनियरिंग सर्विस के लिए, ठीक है। तो ये जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये जितने भी चैप्टर हैं, इसके बगैर जो भी चैप्टर इसमें प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है, तो वो आपके पार्ट वन में आपको मिल जाएंगे। जैसे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन हुआ, सर्वेइंग हुआ, अच्छा आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग होगा, वो जो पार्ट वन में है वो पार्ट वन मेरे पास नहीं है, ये पार्ट टू की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये भी बेस्ट बुक है, ठीक है। इसके अंदर भी सेम वे में कंटेंट प्रोवाइड किया है। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशन नहीं दिया, बस क्वेश्चन दिया है, सॉल्यूशन आपको एट द एंड ऑफ ये टॉपिक दिया है, सॉरी एट द एंड ऑफ चैप्टर आपको सबसे पहले यहाँ पे आंसर की मिल जाएगा, उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चंस थे आपके इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन, अगर हमने क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सी है, तो इस क्वेश्चन में जितना भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जितने भी फॉर्मूले हैं, आपको यहाँ पे बेस्ट वे में दिया है। तो AE के लिए बेस्ट बुक है, अपार्ट फ्रॉम डेट इंजीनियरिंग सर्विस के लिए भी बहुत बढ़िया बुक है, इंजीनियरिंग सर्विस की बुक तो है ही ये, ठीक है। और ISRO, BARC, DRDO के लिए भी अच्छी है, जिससे आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए बेस्ट बुक है। गेट की बात कर नहीं कर रहा हूँ, गेट में अगर आपको देखो, गेट में ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अपने कॉन्सेप्ट इस बुक को पढ़ के क्लियर कर सकते हैं, जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। अब कीमत की बात करेंगे तो कीमत 800 के आसपास है, इसमें भी 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप परचेज करेंगे, सेम वे में जैसे SSC JEE के लिए हमने बताया, वैसे इसको आप परचेज कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे हम इस बुक की, गेट अकेडमी की बुक है, ठीक है। ये बुक जो है गेट अकेडमी की बुक है, इसमें गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सोल्यूशन दिया है। अच्छा, गेट अकेडमी से मैंने क्यों खरीदा, इसमें एक अच्छी चीज़ ये है, इसमें 750 प्लस वीडियो सॉल्यूशंस अलोंग विद क्यूआर कोड दिए हैं, ठीक है। ये मैं बताऊंगा ये क्या चीज़ है, ये रीसेंट बुक है 2021, इसमें 2020 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको दिए हैं। अच्छा, ये बुक जो है, ये बुक आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग सर्विस, तो मैं यहाँ नहीं कह सकता हूँ इसके लिए अच्छी नहीं है, बल्कि आपके जो कॉन्सेप्ट है ना थ्योरेटिकल, अगर वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे तो वो पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी ES में हेल्प हो सकती है, इस बुक को पढ़ के कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको मिल सकता है। PSUs के लिए हाँ ये बुक बेस्ट है, ISRO जैसे एग्जामिनेशन के लिए, DRDO, BARC एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने ये इंड्यूस किया है, इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ रिलेटेड टॉपिक, हर टॉपिक में जो भी इम्पॉर्टेंट है ना, जो भी बेस्ट पॉइंट्स है, वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं साथ में, ठीक है। अब बुक को खोल के हम देखते हैं, तो ये बुक जो है, ये भी पार्ट वन है, इसका पार्ट टू भी मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, दोनों पार्ट आप खरीद सकते हैं। तो इसमें सारा सिलेबस दिया है, गेट का सिलेबस, इसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ठीक है, उसके बाद हमारे सिविल के सिलेबस इसमें प्रोजेक्ट हैं। तो अब बात करें, सबसे पहला चैप्टर है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ की बात की जा रही है। तो ये भी यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इनका सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। अब मैं QR कोड की बात कर रहा था, तो QR कोड क्या है, देखो इसमें इम्पोर्टेंट सबसे पहले की पॉइंट्स क्या है, ये इम्पोर्टेंट नॉलेज है, इम्पोर्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, जिसको आपने पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1.7, इसका करेक्ट ऑप्शन डी था, तो इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है इसने। उसके बाद की पॉइंट्स में क्या है, जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है, वो आपको यहाँ पे की पॉइंट्स के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम QR कोड की बात करें, तो QR कोड क्या होता है,
ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है 5.1, ठीक सा करेक्ट ऑप्शन सी है, इसका सारा एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रहा है तो आप कोई भी स्कैनर डाउनलोड करो, आपके मोबाइल में बाय डिफॉल्ट एक स्कैनर आता है। अगर वो आपके फ़ोन पे नहीं है तो कोई भी स्कैनर आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसके बाद इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट आप YouTube में पहुंच जाएंगे, एक लिंक आपको मिल जाएगी। सबसे पहले उस लिंक में क्लिक करेंगे तो आप कहाँ में पहुंच जाएंगे, सीधा YouTube में पहुंच जाएंगे और उस वीडियो को आप ओपन करके देख लेना, ठीक है। उस YouTube वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। वहाँ पर टीचर जो है वो पढ़ा रहा होगा, आपको समझा रहा होगा ये सारा क्वेश्चन। तो गेट अकेडमी में ये बेस्ट मुझे लगा, इसलिए मैंने गेट के लिए इनकी बुक परचेज़ की, ठीक है। गेट अकेडमी, इनके अकेडमी का नाम गेट अकेडमी है, तो ये गेट ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, गेट ओरिएंटेड बेस्ट पढ़ाते हैं। ये SSC JEE की मैं बात नहीं करूँगा, इनके लिए ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट नहीं है। अलबत्ता गेट के लिए बहुत अच्छा है। प्राइस की बात की जाए तो कीमत इसका अराउंड, दोनों बुक्स मुझे पड़े थे तब 50% डिस्काउंट था जब इन्होंने बुक लॉन्च की थी, तो 900-1100 के 100-100 रुपया पर बुक मुझे क्या पड़ा था, ये 900 की एक बुक है बट 50% डिस्काउंट में मुझे मिला था, तो दोनों बुक 900 में मिली प्लस शिपिंग चार्जेस लगे थे पर बुक 100 रुपया, तो 1100 होता था दोनों बुक का मिला के, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सारा इनके कोर्सेज के बारे में इन्होंने दे रखा है, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे कि कौन सा बेस्ट बुक है। अगर आपके पास ये बुक्स अवेलेबल हैं तो आप इन बुक का अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, अच्छे से फ़ायदा उठा लीजिए। अगर आपको इन बुक्स का PDF चाहिए, PDF फॉर्म में ये बुक चाहिए, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक को खोलेंगे तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पे सारे PDF फॉर्म में इन बुक्स का कंटेंट अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, आप सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है आपको, ठीक है। तो ये रही गेट अकेडमी की Part 2 वाली बुक, ठीक है। तो ये भी वहीं से जैसे Part 1 दिखाया, इसमें भी QR कोड के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्यूशंस दिए हैं, की पॉइंट्स के साथ सब कुछ दिया हुआ है। सो आई विल बी विथ ऑसम कंटेंट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गाइस यू टेक केयर।